ग्रीटिंग्स, नमस्ते, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बेस्ट ऑफ 2020 सीरीज। ऐसी ऐसी चीजें हम लोग कर रहे हैं वेयर एवरीथिंग दैट केम आउट इन दिस ईयर दैट इज द बेस्ट इज बीइंग लिस्टेड आउट हियर। बेस्ट ऑफ द 2020 ब्रॉट टू अस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक। अब मुझे लग रहा है, आई नो इट्स काइंड ऑफ वेरी हार्ड टू पुट गुड एंड 2020 इन द सेम सेंटेंस फॉर मेनी ऑफ अस। हमारे लिए तो डूम एंड ग्लूम था 2020, लेकिन स्मार्टफोन्स इज ऐसी कैटेगरी है दैट एक्चुअली मैनेज्ड टू डू इट। ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ इज अबाउट सम ऑफ द बेस्ट फोन्स दैट वर लॉन्च्ड इन 2020 अंडर द प्राइस कैटेगरी ऑफ 50,000 रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गई है, कैटेगरी एंड प्राइस पॉइंट दैट हैड जस्ट मे बी आई थिंक 2019 में एक या दो फोन होंगे। इस साल इट हैज़ बिकम अ सुपर हॉट एंड वाइल्डली कॉन्टेस्टेड कैटेगरी। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बिकॉज ऑर्डर आप डालेंगे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो, बेस्ट फोन्स अंडर 50,000 रुपीज़। नंबर वन में बोथ एप्पल एंड सैमसंग ऑफर्ड देयर फ्लैगशिप एक्सपीरियंसेस इन बजट पैकेजेस दिस ईयर। कुछ अलग ट्राई किया दोनों ने। सो लेट्स टेक इट अल्फाबेटिकली। सबसे पहले शुरू करेंगे विद एप्पल। आईफोन SE एसेंशियली एक आईफोन 11 है, बट पैकेजिंग चेंज कर दी है उन्होंने, थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और ये चेंज पैकेजिंग का मतलब है कुछ फीचर्स उन्होंने ड्रॉप किए। पहली चीज, इसकी लुक, इट रिजेंबल्स एन आईफोन 6 फ्रॉम अ टाइम एंड अ प्लेस फार फार बिफोर। बहुत ही पुराना फोन है। प्लस इसमें फेस आईडी नहीं है, प्लस इसमें एक ही रियर कैमरा है एंड इट डजंट गेट दैट मच। उसका जो नाइट मोड है ना, उसके फीचर्स उन्होंने नहीं डाले हैं एंड अ मच मच स्मॉलर बैटरी। इनफैक्ट लुक्स में आपको लगेगा जैसे कि आपने बाबा आदम के ज़माने का कोई फ़ोन खरीद लिया है फ्रॉम द 1900s। वेरी एंशंट लुकिंग। और दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स द वेरी गुड पार्ट इन दिस इज़ के A13 बायोनिक चिप है इसके अंदर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इवन इन दिस ईयर, इंटायर ईयर। येट आई वुड स्टिल से दैट अगर आपने 50,000 रुपये खर्चने ही हैं, बेटर टू स्पेंड इट अ लिटिल बिट मोर एंड गेट द आईफोन 12 मिनी। एटलीस्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने दादाजी का फ़ोन आप लेके घूम रहे हैं। इट स्टिल हैज़ बेटर लुक्स। नेक्स्ट फोन है नंबर 2, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। है सैमसंग का एक तरीका वे दे ट्राइंग टू ऑफर यू गैलेक्सी S20 का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस लेकिन अंडर 50,000 रुपीज़। अब काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ ये फ़ोन, बिकॉज जो किया इन्होंने क्या किया ना, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें काट दी इन्होंने। अदर बजट फ्लैगशिप फोन एक्चुअली हैड मच मच बेटर फीचर्स एट दिस प्राइस। लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड फोन विद द ग्रेट सैमसंग एक्सपीरियंस। की वर्ड है इसमें सैमसंग का एक्सपीरियंस, विच मीन्स आपको एक डिपेंडेबल ब्रांड मिल रहा है, एक लग्जरी ब्रांड मिल रहा है, अ ब्रांड दैट हैज़ गुड रिकॉग्निशन, ग्रेट हार्डवेयर, स्टेबल सॉफ्टवेयर, गुड कैमरा है और सैमसंग का बहुत ही अच्छा वाइड स्प्रेड सर्विस एंड रिपेयर नेटवर्क। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, दिस फोन लेफ्ट आउट टू मच टू अचीव दिस प्राइस कट। मतलब आई वुड से इट्स नथिंग लाइक द S20। फ्यूचर में सैमसंग व्हेन यू नीड टू एक्चुअली गेट द S21 FE एडिशन ना, तो कुछ ज़्यादा काम करिएगा उस पर। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फोन्स ऑफ 2020 अंडर 50,000 रुपीज़ वॉज OnePlus 8T। देखिए, OnePlus का डिवाइस है, फ्लैगशिप डिवाइस है, हैज़ टू हैव द बेस्ट हार्डवेयर अवेलेबल एट दैट टाइम। यानी कि स्नैपड्रैगन 865 तो है ही इसमें, 12 GB ऑफ रैम भी है इसमें, इसमें एक रियली लार्ज वेपर चेंबर है फॉर एक्सट्रीमली डिमांडिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। OnePlus also stuck to giving high refresh rates on the screen, यानी कि 120Hz on a nice full HD+ AMOLED डिस्प्ले, और इसमें उनका बिलवड वेरी वेरी नाइसली पुट टुगेदर, ऑक्सीजन OS तो है ही। सो व्हाट्स नॉट टू लव? वेल एक्चुअली देर इज समथिंग। OnePlus 8 Pro मेरे हिसाब से इज अ बेटर फोन देन दिस वन। जस्ट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग बिटवीन दीज टू ना, 8 Pro। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फोन एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट रॉकेट, Asus ROG Phone 3। मेरे हिसाब से फास्टेस्ट फोन इन द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च। किलिंग बेंचमार्क्स हैं, किलिंग स्पेक्स, आई मीन इट वॉज एन एब्सोल्यूट किलर, बिकॉज जो फीचर लिस्ट है इसमें दैट गेमर्स वॉन्ट, दैट पीपल परफॉर्मेंस इनको चाहिए, किलर ओवरक्लॉक्ड हार्डवेयर, गेमिंग फोकस सॉफ्टवेयर ट्वीक्स, डेडिकेटेड कूलिंग सोल्यूशन, और साथ में इन्होंने बनाया एक पूरा का पूरा एक्सेसरी का इकोसिस्टम, इतने सारे एक्सेसरीज। अब कुछ क्रिटिसिज्म इस फोन को मिला था कि 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइप सी पोर्ट्स हैं, सो साइमल्टेनियस यूजेज जो है वॉज पॉसिबल। प्लस
It came with a cooling fan accessory that offered a 3.5 mm jack to use. Frankly, mere hisab se, like I said in the beginning, best spec phone of 2020 at any price point. Chalte hain next phone pe, and next up another phone that was very, very high benchmark list specs list mein, plus a very new entrant at that, iQOO 3. Now, it's actually a gamer's delight, it's a economy delight, just price pe abhi mil raha hai, it is amazing. Because it's Snapdragon 865 bhi hai, 12GB RAM bhi hai in its highest variant, and highest variant also had 5G capabilities. So, mere hisab se ye sleeper hit hai, overlooked phone hai of 2020, dedicated gaming mode hai isme, customizable air triggers hai isme. So, lots of things that this phone has that other phones even now do not have. Lekin agar main aapko suggestion doon to iQOO for what you can do for the next benchmark champion, agla phone jo wo nikalenge, thoda sa software ke upar agar wo kaam karte, this could have been a huge hit. Chalte hain towards our next phone, aur ye hai Vivo. Vivo ne hum log ko do bahut amazing camera phones diye is saal. Ek tha unka X50 Pro jisme gimbal tha, aur dusra tha unka eye tracking autofocus jo V20 series mein unhone dala. Lekin X50 Pro jo hai na, it makes it to the list because really bahut innovative hardware tha, bahut hi good looking phone tha, and once the hardware is there, software can keep making it better and better and better. Aur mere hisab se Vivo X50 5G jo hai is not here only for its specs. Chalte hain towards our next phone, Xiaomi ka Mi 10T Pro. Great phone, good looking, great specs, pretty good camera. Even Amazon Alexa jo hai isme enabled tha. In fact, there really isn't much to say against this phone. Sab kuch tha isme. Like I said, fantastic phone, absolutely fantastic price, absolutely fantastic specs. Only problem may well be ke kuch logon ko ye laga ke agar unhone phone khareedna hi hai is price pe, should they be buying a Xiaomi phone? Thodi branding ki problem thi. I disagree, I think it's a great phone. Next, Oppo ka Reno 4 Pro. Isme kya hai? What is there not to like? Great looks, excellent screen, very good battery life. Aur Reno series ka hai Oppo phone, so optics absolutely top notch hai. Oppo as always seems to pull off some really good photo and video magic, and ye jo phone hai is a testament to that. So, I have told you about my best phones under 50,000 rupees. Time for you to declare a winner. You go to the comment section and tell me which is the phone you like the most under 50,000 rupees. Let the voting begin.